देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। नेवज नदी के आसपास रेत माफिया रेत का अवैध खनन कर रहे हैं, जिसकी सूचना पुलिस को लगी तो एसपी सिमाला प्रसाद और एएसपी नवल सिंह सिसोदिया के निर्देश के बाद बारवा खुर्रम गांव के पास नेवज नदी पर दबिश दी गई। जैसे ही थाना प्रभारी कैलाश भारद्वाज सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची, उन्हें देख आरोपी ट्रैक्टर और जेसीबी छोड़कर भाग गए। थाना प्रभारी कैलाश भारद्वाज ने मौके से दो ट्रैक्टर और एक जेसीबी जब्त की, लेकिन रात के अंधेरे में मौका देखकर आरोपी भाग गए। ऐसे में खनिज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन ट्रैक्टर और जेसीबी के आधार पर मालिकों से पूछताछ करते हुए आगे की कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि नेवज नदी में पानी कम होते ही रेत माफियाओं द्वारा तेजी से अवैध खनन किया जा रहा है। समय जगत के लिए कैमरामैन खुशाल जोशी के साथ तलिन से मुकेश कुमार यादव की रिपोर्ट। किया जा रहा है ट्रैक्टर के माध्यम से, तो इस सूचना पर मैंने अपना स्टाफ निरीक्षक सोलंकियों में खुद दिया था और स्टाफ को लेकर गया। वहाँ पर मौके पर जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर उत्खनन करते हुए पाए गए। उन्हें मौके पर हमने कार्रवाई करते हुए जब्त कर लिया और जब्त करके हमने थाने में लिया है इसको, और उनके विरुद्ध हमने FIR दर्ज कर ली है। अपराध भवन 386 है और खनिज अधिनियम लड़ाई और वैधानिक कार्रवाई इसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और इन्वेस्टिगेशन करके आगे जो भी और आरोप मिलते हैं उनके विरुद्ध हम कार्रवाई कर रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।